हेलो फ्रेंड्स, आप सबके बीच हमारा न्यू वीडियो आ चुका है एंड मैं आपको बता दूं कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो इस वीडियो को फुल वॉच करो एंड इस टाइप का एडिटिंग सीखो, क्योंकि हमारे वीडियो को फुल वॉच करोगे ना तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ ना इस टाइप का आप एडिटिंग सीख जाओगे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको छोटा छोटा ट्रिप बताया जाता है और बिल्कुल आसान ट्रिप बताया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को फुल वॉच करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, इस तरह का फेस स्मूथ और हेयर एडिटिंग और एंड हेयर कट लगाना सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम का वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं कर दो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ऑन कर लो, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ आप तक आसानी से पहुँच जाए। एंड एक करके स्टेप सीखोगे ना तो अपने फोटो को बढ़िया तरह से एडिटिंग करना सीख जाओगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने फोटो को सेंड कर देंगे स्क्रेच बुक के अंदर, यानी ऑटोडेस्क के अंदर। अगर आपके पास ऑटोडेस्क नहीं है, मैं लिंक दे दूंगा, जाकर डाउनलोड करना, न्यू वर्जन का है। एंड आप देख पा रहे हो कि हमारा फोटो ऑलरेडी आ चुका है एंड फेस आप देख पा रहे हो कितना गंदा है, कितना सारे पिंपल्स है। चलिए क्या करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से ये सर्कल वाला दिख रहा है, तो ऊपर से आपको क्या करना है, थर्ड नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, करने के बाद क्या करना है, आपको नीचे ऐसे करके भागाना है, भागाने के बाद क्या करना है, इस ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप समझ नहीं आ रहा तो, एंड सेटिंग को देख लो। सेटिंग को क्या करना है आपको, सिंपली सेटिंग को आपको क्या ज़्यादा नहीं 19 या 20 रखना है। ठीक है, फॉलो को नीचे वाले को भी 19 या 20 रख लेना है। एंड रखने के बाद क्या करना है आपको, इस कलर वाला नीचे वाला कलर वाला ऑप्शन को उसको ब्लैक करना है, क्योंकि ब्लैक हमको हेयर को बनाना है। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, एंड अपने हेयर पर जूम करना है। ठीक है, वीडियो के स्टेप बाई स्टेप जूम करने के बाद फोटो को उल्टा करके ब्रश को कुछ इस टाइप से चलाना है। एंड आप देख पाओगे आपका फेस है ना, वो फोटो है ना, वो हेयर है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एडिटिंग हो जाएगा। ठीक है, ब्रश को उल्टा करके चलाना। ठीक है, जो आपका फोटो रहेगा ना, काफ़ी ज़्यादा हेयर बढ़िया एडिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देख सकते हो आपका हेयर कितना बढ़िया से हमारा हेयर है ना, वो एडिटिंग हो चुका है, हो रहा है। ठीक है, एंड आपको भी ब्रश को कुछ इस तरह से चलाना है, बिल्कुल आराम आराम से चलाना है, जितना बड़ा हेयर करना है आप उतना बड़ा कर सकते हो। एंड अब देख पा रहे हो कि हेयर कितना बढ़िया बड़ा हो चुका है। एंड क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर भी मिला लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से मिला लेना। ठीक है, आपको जितना भी बड़ा करना है अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। एंड आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से थर्ड नंबर वाला ऑप्शन को मारना है। मारने के बाद क्या करना है, फिर से उसी ब्रश को चूज कर लेना है। सेटिंग को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, सेटिंग को आपको क्या करना है, 75 रख लेना है फॉलो को। एंड स्टेन को क्या करना है आपको, स्टेन को लगभग कितना 60 के आसपास में रख लेना है। ठीक है, रखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ दो नंबर वाला ऑप्शन मार के गाइड वाला ऑप्शन को चूज कर लेंगे। ठीक है, एंड चूज करने के बाद क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ बैठाएंगे ऐसे करके, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे ऐसे करके यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, बैठाने के बाद साइज को बिल्कुल छोटा कर देना है, मतलब 7 या 8 रख लेना। ठीक है, 5 या 7 रख लेना। रखने के बाद क्या करना, ऐसे करके हेयर पर ब्रश को चलाना है इस तरह से। ठीक है, एंड हेयर पर है ना वो कट लग जाएगा, जितना भी आपको कट लगाना उतना कट लगा लेना है। एंड आपको इसी को सीधा कर देना है ऐसे करके, एंड आपको अपने यहाँ पर भी चला लेना है, ताकि आपका यहाँ भी कट एक लग जाएगा। एंड जहाँ भी आपको कट लगाना हो अपने हिसाब से लगाना है। एंड क्या करना है, इसको कट करके इसको हटा देना है। ठीक है, एंड आपको थंबनेल में 3 कट दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं 2 कट लगा के आपको बता दिया। ठीक है, आप 3 या 4 5 जितना कट लगाना हो लगाना है। फिर से आपको थर्ड नंबर वाला ऑप्शन मार के इसी ब्रश को चूज रखना है। एंड फॉलो को आपको क्या करना है, 6 या 7 रख लेना है। एंड स्टेन को भी क्या करना है, 6 या 7 रख लेना है। ठीक है, रखने के बाद क्या करना है, थोड़ा साइज को बढ़ा देना है। ठीक है, एंड अपने फेस पर क्या करना है, जूम करना है। ठीक है, जूम करने के बाद ब्रश को कुछ इस तरह से चला लेना है। ठीक है, आपका जितना भी फेस पर पिंपल्स रहेगा तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताया था कि इस वीडियो में आपको कुछ अलग बताऊंगा। तो ठीक है, वीडियो को फुल वॉच करो, मैं बता रहा हूँ आपका फेस पूरा स्मूथ होगा कैसे, पूरा व्हाइट होगा कैसे। तो सबसे पहले आपको पिंपल्स को जितना दिखे ना उसको गायब कर लेना है। एंड ठीक है, ब्रश को चला चला कर पिंपल्स को गायब करोगे ना तो आपका फेस है ना काफ़ी बढ़िया लगेगा। एंड आपको जहाँ जहाँ भी ब्लैक दिखे अपने फेस पर इस ब्रश को चलाना, शायद ये आपको नहीं दिख रहा होगा। एंड अपने फेस पर अप्लाई करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरह से दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो इसको ब्रश को चला लेना है। ठीक है, ब्रश को चलाओगे ना उतना बढ़िया, जितना बढ़िया से आप अपने ब्रश को चलाओगे ना उतना बढ़िया से आपको फोटो एडिटिंग हो जाए होगा। एंड अभी तक आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लो, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमको जाकर वहाँ से आसानी से फॉलो कर सकते हो। एंड क्या करेंगे, अपने यहाँ पर भी जूम कर लेंगे। ठीक है, जूम करने के बाद यहाँ पर भी ब्रश को चला देंगे ताकि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे। एंड क्या करना है आपको, ठीक है, एंड देख सकते हो फेस पूरा स्मूथ नहीं हुआ है। तो कैसे पूरा स्मूथ होगा, क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से अपने फोटो को कर लेना है डन। ठीक है, फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन हमारे गैलरी वाला ऑप्शन हमारे अपने फोटो के यहाँ से कर लेंगे हम लोग डन। ठीक है, डन करने के बाद मैं आगे बता रहा हूँ आपको कैसे फेस स्मूथ होगा। ठीक है, एंड फोटो मेरा डन हो रहा है। एंड डन होने के बाद क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बीच से फोटो ऐसे करके कट कर देंगे। ठीक है, कट करने के बाद क्या करेंगे, अपने फोटो को ओपन कर लेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, कुछ ही तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस वाला ऑप्शन को मार के एंड अपने फोटो को लेना है। ठीक है, इसी में आपका फेस पूरा स्मूथ होगा एंड व्हाइट होगा। तो
ये बिल्कुल न्यू फीचर है, शायद ये आपको यूट्यूब पर कोई फीचर ये नहीं बताया होगा जो मैं बताया था बता रहा हूँ। मैं आपको वीडियो में शुरू में बताया था कि जो भी हमारे चैनल पर आपको एडिटिंग देखने को मिलता रहता है न्यू न्यू एंड छोटा छोटा एडिटिंग देखने को मिलता रहता है, इसलिए मैं छोटा बताता हूँ ताकि अभी अपने फोटो को देख कर बढ़िया तरह से प्रोफेशनल तरीके से एडिटिंग कर सको। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ से आपको टूल वाला ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, चूज करने के बाद इस ब्रश को चूज कर लेना है। ठीक है, ब्रश को चूज करने के बाद इसमें बहुत सारे आपको ब्रश देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली वो दो नंबर वाला ब्रश को चूज करना है। ठीक है, इसको 7 ग्राउंड रख लेना है एंड 7 ग्राउंड रखने के बाद अपने फेस पर जूम करना है। हमारे चैनल पर नए हो तो मैं वीडियो जाकर देख लेना, उसमें स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ। ठीक है, एंड क्या करेंगे, अपने ब्रश पर जूम करने के बाद फेस पर कुछ इस तरह से ब्रश को चलाएंगे एंड आप देख पा रहे होगे कि आपका फेस है ना कितना बढ़िया बढ़िया स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, इस ब्रश को बिल्कुल आराम आराम से चलाना है आपको, जहाँ जहाँ भी व्हाइट करना है। ठीक है, ये आपका फेस को एकदम क्लीन कर देगा, पूरा व्हाइट कर देगा। ठीक है, ये न्यू फीचर है, शायद आपको कोई नहीं बताया होगा। ठीक है, इतना सिंपल एडिटिंग। तो हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का एडिटिंग देखोगे सब्सक्राइब करोगे तभी तो, एंड घंटी को ऑन कर लेना एंड क्या करना है आपको ऐसे करके अपने फोटो को डन कर लेना है। डन करने के बाद आप देख पाओगे आपका फोटो कितना कितना बढ़िया तरह से एडिटिंग हो चुका है, हेयर एडिटिंग एंड हेयर पकट एंड फेस स्मूथ हो चुका है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, तो पसंद आएगा तो हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करो। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप का एडिटिंग देखने के लिए। हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। क्या करेंगे, एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन मारकर अपने फोटो को डन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।